सत्य की नाव डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू खुद से कभी मत हारना, बाकी सब मैं देख लूंगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं बड़ा ही कमाल का अद्भुत अनुभव है। यह अनुभव है चंडीगढ़ की रहने वाली डॉक्टर अमिया शर्मा का। डॉक्टर अमिया शर्मा चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वो बताती हैं कि उनके गोलू जो है, गोलू उन्होंने अपने लड्डू गोपाल का नाम रखा है, उन्हें वो छोटा भाई मानती है, बेहद प्रेम करती है, अनन्य भक्त हैं ठाकुर जी। बताती हैं कि 2012 से गोलू उनके साथ है और वो ऐसे साथ है कि ऐसा एक भी पल नहीं जाता जब गोलू उनके साथ नहीं रहते। अब तो डॉक्टर अमिया शर्मा की शादी हो गई है। शादी से पहले का ये किस्सा है। तो शादी से पहले हुआ यूं कि गोलू 7 साल के हो गए थे, उनका जन्मदिन था। हर साल 16 मार्च को अमिया उनका जन्मदिन मनाते, तो इस बार केक लाया गया, जन्मदिन मनाया गया, लेकिन देखा कि गोलू बड़े गुस्से में है, नाराज है। देखकर अमिया बड़ी परेशान हो गई, हैरान हो गई। आप भी ये फोटो बड़े गौर से देखिएगा, आपको गोलू के एक्सप्रेशन दिखाई देंगे कि वो कितने गुस्से में है। तो गोलू नाराज हो गए। अमिया जी ने अपनी मम्मी से पूछा कि गोलू बड़े गुस्से में है, तो मम्मी ने बताया कि आज इनका जन्मदिन है, तुम कुछ गिफ्ट तो लाई नहीं इनके लिए। तो अमिया भागी भागी बाजार गई और उनके लिए एक सोने की इयररिंग लेके आई और बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आई। और आप यकीन मानना, चॉकलेट्स देखकर, इयररिंग देखकर, मतलब अपना उपहार देख करके गोलू जी बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई और ये सब देख रहे थे। उसके बाद अमिया बताती है कि जब भी वो एग्जाम देने जाती थी तो अपने गोलू को अपने साथ ले जाती। अमिया का परिवार शिमला का रहने वाला है लेकिन ये लोग चंडीगढ़ रहे, तो इनकी शादी हुई चंडीगढ़ में ही। अमिया बताती है कि विदाई में मेरे साथ मेरे गोलू आए, क्योंकि गोलू के बिना ये रह नहीं सके। हर जगह गोलू साथ रहते हैं। बताती है कि इनको घुमाने ले जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, घर में कई दिन हो जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, हर बात अपने एक्सप्रेशन से बताते हैं। जो वस्त्र पहनने होते हैं, जो पोशाक पहननी होती है उसके लिए खुश होते हैं, जो नहीं पहननी होती तो गुस्से में आ जाते हैं। तो सौभाग्य की बात यह थी कि अमिया की जहां शादी हुई उस परिवार में भगवान श्री कृष्ण की आराधना बरसों से हो रही। इनके पति के दादाजी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। तो जैसे ही अपनी ससुराल आई तो वहां गोलू को मिले लड्डू, इनके पति के लड्डू। तो अब गोलू और लड्डू दो हो गए। अमिया बताती है कि लड्डू और गोलू साथ रहते हैं, दो लड्डू गोपाल, एक का नाम गोलू एक का नाम लड्डू, बेहद प्रेम है दोनों से, पूरे परिवार को। बताती कि आज तक सिर्फ एक बार गलती हुई। वो गलती क्या थी कि अपने पति को बोला कि आप लड्डू और गोलू को सुलाने के लिए ले आओ, क्योंकि रात्रि में हमेशा ये अपने कमरे में उन्हें सुलाती हैं ताकि उनको गर्मी ना लगे। तो ये कह करके अमिया भूल गई और इनके पति को भी याद नहीं रहा। सारी रात बड़ी बेचैनी में बीती। सुबह उठी तो देखा कि लड्डू और गोलू तो नहीं है यहां, भागकर मंदिर गई। मंदिर में लड्डू और गोलू बैठे हुए, बहुत माफी मांगी। अमिया बताती कि वो सारा दिन मेरे सर में इतना दर्द रहा, मैं बता नहीं सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मुझसे नाराज भी हो जाते हैं, मेरे साथ खेलते भी, बेहद प्रेम करते हैं। अमिया हर जगह उनको साथ, हर पल साथ है। ये भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम है, अपना भाई मानती है।
कहते हैं कि लड्डू और गोलू ही मेरे सब कुछ। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि आप कृष्ण प्रेमी होते हैं, आपकी जो विचारधारा होती है। एक लड़की के लिए यह होता है कि उसको अगला परिवार जब मिले तो उसी विचारधारा का मिले जिस विचारधारा की वो है। जैसे संस्कार उसके हैं वैसे ही संस्कार उसे आगे भी मिले, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। और ये मैं दिल से चाहता हूं कि कभी भी किसी की भी आस्था पर, किसी के भी विश्वास पर कहीं भी रोक नहीं लगनी चाहिए। हमेशा हरेक की आस्था का, हरेक के विश्वास का सम्मान करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, कृष्ण जो हैं परमेश्वर, परम ऐश्वर्य के मालिक हैं। उनका विग्रह लड्डू गोपाल, वो जहां भी होंगे अपनी व्यवस्थाएं खुद कर लेंगे, जहां भी होंगे अपने तरीके से रहेंगे। और आप यकीन मानिए, जब वो आपके घर पे आते हैं तो ऐश्वर्य साथ लेकर आते हैं, क्योंकि जहां कृष्ण है वहीं राधा रानी है, और जहां राधा रानी है वहीं कृष्ण है। तो जिनके घर भी लड्डू गोपाल है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कभी भी ऐसा ना करें कि उन लड्डू गोपाल को कहीं भी छोड़कर चले आए। कभी भी ऐसा ना करें कि आपका उनसे मन भर जाए। कभी भी ऐसा ना करें कि उनसे बातें ना करें। आप यकीन मानना, आप अपने लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए, उनसे बातें कीजिए, आपको हर बात का जवाब मिलेगा वहां से। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। यदि आपके पास ठाकुर हैं तो आपके पास सर्वेश्वर है, और जिसके पास सर्वेश्वर है उसके पास सब कुछ है। अमिया जैसा प्रेम करने वाले लोगों को लड्डू गोपाल बताते हैं कि तुम्हारा प्रेम झूठा नहीं है और ना मेरा प्रेम झूठा है। तुम मुझसे रिश्ता रखती हो, तुम मुझसे बात करती हो, तो मैं भी तुमसे बात करता हूं। ईश्वर को देखना चाहते हैं आप तो विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास ही वो नेत्र हैं जिसके जरिए आप ईश्वर को देखते हैं, आप ईश्वर को महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।